आफत मेरी तूफान बैंड बाजे के साथ लाई गई आफत है। और मैं बताती हूँ कि मेरे को इसने मैं बताती हूँ इसने मुझे किस काम में लगाया है। अरे ऐसा हो सकता कि अपनी सास से काम रख रहा है? ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। हेलो दोस्तों, जय माता दी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप अपने कार्य से व्यस्त हो गए। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ से कि मैं पहुँच चुकी हूँ न्यू शिमला वापस। और वापस पहुँचने से पहले कि मैंने क्या क्या किया है अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो पर बने रहिएगा। मैं कहाँ गई थी तो आगे बताती हूँ वीडियो में। बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे हिमाचली ब्लॉगर KS77 यानी के कांता शांडिल। तो दोस्तों सफ़र शुरू हो रहा है अब। तो अब देखिए मैं कहाँ पहुँची, कितना खूबसूरत सा व्यू है। और ये व्यू है मेरे मायके का, जहाँ पे मेरे पापा का घर है, वहाँ मैं पार्किंग तक गई थी, आगे नहीं गई हूँ दोस्तों। तो क्योंकि मासी ने साथ ही जाना था तो उनको लेने गई थी, लेट हो रहे थे हम, तो मासी साथ ही जा रही थी तो आगे कर जाती भी क्या, मैं किसके पास जाती आगे, बस ऐसा ही है दोस्तों। मन हो जाता है कुछ इस तरह से उदास, कुछ कह नहीं सकते। जब भी जाती हूँ कहते हैं ना, कभी कभी माइक का भी दूर से देखना पड़ता है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं। कहाँ चले आप लोगों के साथ चले कर सकते? कहाँ जा रहे घोड़े, कहाँ जा रहे सर? अच्छा ये क्या क्या उठाया बगीचे में? तो चलिए सफर हो चुका है शुरू। और साथ में कौन कौन है? माता जी कहाँ चले फिर आज आप घूमने? बाटा को पर क्या करना हुआ? क्या करना, महीना नहीं करनी और क्या करना। अच्छा। शाम का टाइम है दोस्तों, 4:30 के आसपास का टाइम था और फिर चल पड़े थे हम, लेट भी हो रहे थे। तो ये देखिए रहा हमारा खूबसूरत सा गांव, बड़ा गांव, पहले भी देख चुके हैं आप लोग वीडियो में। और आज फिर से चले हम उसी सफर पे। और ये सीगी शिरो आवला हूं दे फारी क्या से बुआ था का लव मार थे। पिछली बारी में रीना शारदा और काजल के साथ भी आई थी इधर को ही, पर उस अच्छी तरह से वीडियो शूट नहीं कर पाई थी उस दिन। तो आज देखिए कितना खूबसूरत है मेरे मायके का गांव, बड़ा गांव। तो देखिए दोस्तों ये अभी न्यू रास्ता बना है, रोड बना है यहाँ से, और नीचे मिलेगा शोगी रोड है, तो वहाँ से चंडीगढ़ वगैरह मतलब हर जगह के लिए रास्ता जाता है। अगर अपर शिमला की साइड जाना हो तो भी साइड से निकलता है। और जो ये बड़ा गांव का रोड है ना, इसमें जो सेबों का जब सीजन लगता है ना तो वहीं से सारे ट्रक गुजरते हैं। और इतना आसान हो गया, इतना नज़दीक हो गया है हम लोगों के लिए ये वाला रोड। तो आज मैं आप लोगों को नए रोड से ले जा रही हूँ, इस रोड में पहली बारी जा रही हूँ मैं भी, जब से ये रोड बना है, अभी बन के तैयार हुआ है, तो पहली बारी सफ़र हो रहा है मेरा इस रोड पर। तो बहुत ही अच्छा रोड बना है नाले में। और बचपन की बड़ी यादें हैं दोस्तों यहाँ पे, जब बचपन में तो रास्ते हुआ करता था, एक छोटी सी पगडंडी होती थी, तो हम ऐसे ही यहाँ से जब जाना होता था घास लकड़ी लेने जाते थे ना, तो पैदल ही आ जाते थे नीचे। और इस रोड को, ये रोड तो बहुत पुराना, अंग्रेज़ों के टाइम का। ये देखिए मेन रोड पर पहुँच गए हम, और यहाँ से हम मुड़ेंगे इस साइड, हमने जाना है भट्टा कुपर साइड, ढली संजौली साइड को। तो हम बेउलिया मैली होते हुए, मल्हाना होते हुए यहाँ से गुजरेंगे। तो बाकी का सफ़र आप लोगों ने लाइव में देखा है, मैंने आगे से लाइव शुरू कर दी थी,
और बस यहीं तक मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था। और कोई भी अगर आनंद उठाना चाहता है इस सफ़र का तो कुछ छोटी छोटी मेरे पास हाइलाइट्स भी है, कुछ मैंने डाल दिए हाइलाइट, और भी हाइलाइट पड़ी हुई है मेरे पास लाइव वीडियो की, तो मैं उसको शेयर करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो मैं अपने घर पहुँच गई थी अपने बच्चों के पास। हेलो दोस्तों, जय माता दी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये कौन है पहचानो? कौन है बीजू बोलो? मैं आपकी लाइवी आफत हूँ। ओके बैंड बाजी तो ये है आफत मेरी तूफान बैंड बाजी के साथ, बैंड बाजी के साथ लाइवी आफत है। लेकिन मैंने नहीं कहा मैंने कुछ नहीं कहा, इसने खुद कहा है, देख लो। ये आफत, आफत क्या कर रही है? आफत की पुड़िया क्या कर रही है? क्या बना रही है? सास से नहीं बनाएगी खाना? सास से भी एक चीज सास बनाएगी, एक मैं बनाऊंगी। अच्छा तो देखो मैं क्या बना रही हूँ। इसके राजमा इसने उबाल लिए और ये तड़का काट रही है, टमाटर काट रही है, चावल इससे चढ़ाए हुए। और मैं बताती हूँ कि मेरे को इसने मैं बताती हूँ इसने मुझे किस काम में लगाया है। अरे ऐसा हो सकता कि अपनी सास से काम न कराए? ये नहीं हो सकता ये हो ही नहीं सकता। तो देखते हैं अब करते हैं। और काशी क्या कर रही है? काशी को भी देखिए, ये देखिए तो काशी काशी से ऊपर जंप मार रही है, इसने शेल्फ पे चढ़ना है। और अभी तो आराम से गिर कर रही इसको दादी के पास यहाँ बैठना है। काशी आप जाओ ट्राई कर लो। देखो इसने मेरे लिए क्या काम डाल के रखा है निशु ने। तो देखो ये दाल भिगोई हुई, इसकी बड़े दिनों से थी मुझसे फरमाइश कि भल्ले बनाओ भल्ले बनाओ। तो अब मैं दही भल्ले बना रही हूँ, मुझे लहसुन चाहिए, लहसुन और हरी मिर्च। अरे इतने नहीं, दो तीन बूंदियाँ चाहिए। तो देखते हैं अब बनाना शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करते कैसे बनते। अरे देखो एक आए हैं हमारे लिए बबरू, मेरे साथ माता जी आई ना मासी साथ में, वो बबरू भी लाए हुए तो ये खा रहे थे थोड़े थोड़े अचार के साथ, मीठे नहीं फीके बनाए हुए इन्होंने। तो चलो आगे देखते हैं क्या क्या होता है ब्लॉग में, है ना? तब तक आप वेट करिएगा हमारा। चल कर चले क्या हो गया आपको? गाना सुन के मेरा फेवरेट गाना चलो कले डांस और करवा रे कुकू काम कर रहा है कले डांस काम करते डांस करता हूं तो देख सकते हैं आप। शेखर जी आटा गूंद रहे और गाना क्या लगाया हुआ है? तो देखिए मेरी YouTube फैमिली, मैं अब वीडियो का यहीं पे करना चाह रही हूं एंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी आगे का भाग मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी और आज की वीडियो का यहीं पे करूंगी एंड। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और कैसा मेरा परिवार आपको लगता है, क्योंकि परिवार से मैं कभी कभी ही मिला पाती हूं। तो आप लोगों को पता है मेरी मजबूरी, मैं बच्चों से बहुत दूर रहती हूँ और कभी कभी मिलने चली जाती हूँ या कभी बच्चे मुझसे मिलने आ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक बहुत कम लोग करते हैं, मैंने देखा हमारे प्रीमियर पे भी जितने लोग आते हैं उतने लाइक नहीं होते और जितने कमेंट होते उतने लाइक भी नहीं होते। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, लाइक एक लाइक आपका हमें मोटिवेशन की तरफ ले जाता है। तो आप ज़्यादा ना कहते हो, चैनल पर पहली बारी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य ऑन करिएगा। तो बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली व्यूअर्स।